जेल में संपर्क पहुंचा दूं, मुझे वो जाला और जख्मी चाहिए। और इफ्तिखार? बहुत अकड़ है ना उसमें, उसकी अकड़ तोड़ो। ये वो लड़की थी कौन? मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है, क्या नाम था उसका? उजाला शब्बीर आलम की नहीं, हामिद जमान की कह दिया। मैं उसके जीने की हर आंसू को दफन कर दूंगा। देखिए नया ड्रामा सीरियल पसे दीवार 19 अप्रैल से जुम्मा रात 8 बजे। ये हमारे जॉइंट अकाउंट की चेकबुक है। तलाक चाहिए मुझे सर। इसको पहली और आखिरी बार साइन कर चुका हूं मैं। रिजवान वल्द सुफियान, शबीन वल्द, जहीर को तलाक देता। ये लो, तुम भी इस कागज को साइन करा के कैश करवा लेना। नहीं, ये तो एक है, बाकी दो तलाके भी दो। हर महीने देता रहूंगा। बाकी की दो तलाके भी अभी दो, क्योंकि ना मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, ना ही कोई रिश्ता। मैं भी तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। बाकी की दो तलाके शरई तौर पर दूंगा, अब जाओ यहां से। मुझे मंजूर है। जाओ यहां से। चलो चलो। यूं लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी, मेरी मुट्ठी में है किस्मत भी तेरी। अटल मेरा कहां हो जाएगा, मगर सब कुछ फना हो जाएगा। अरे बेटा, सुबह की तैयारी मुकम्मल है ना? अबा, मैं चार रहने वाली इंग्लिश की किताब रह गई। अच्छा, तो ऐसा करेंगे कि सुबह स्कूल जाते हुए मैं तुम्हें रास्ते में से ले दूंगा, है? ज़हीर साहब, अश्विन का फोन बंद मिल रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? वो अपने घर गई है, हो सकता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हो।
इंशाल्लाह दोनों में सुलह हो गई होगी, इसलिए फोन चार्ज करना भूल गई। वैसे भी मियां बीवी में नाराजगी खत्म हो तो गिले शिकवे तो बनते ही है ना। अब अच्छा इसकी तो तैयारी हो गई है, तुम खाना लगा दो जल्दी से। लग जाएगा खाना भी। चल बेटा तू बैग वैग बंद कर और रख, बस खाना खाते ही ना सो जाना ताकि सुबह उठने में मसला ना हो। चलो शाबाश। क्या मुसीबत है। जाके पता करे, रिजवान भी फोन नहीं उठा रहा। उठे ना। क्या परेशानी है, वो आराम से सो रही होगी अपने घर में। आप भी पड़े सोते रहिए यहाँ, वैसे तो बहुत प्यार जताते हैं, बेटी की जरा फिक्र नहीं है। मैं जा रही हूँ, खुद जाके देखती हूँ क्या परेशानी बनी है उनके लिए। अल्लाह हाफिज। ओहो क्या मुसीबत है, औरत भी बहुत जिद्दी है, एक दफा दिल में वहम आ जाए तो सबका जीना हराम कर देती है। चल भाई ज्यादा देर बैठ ना जाए। अरे अमान बेटा, अरे अंदर से कुंडी लगा ले, हम अभी आते हैं। रिजवान वल्द सुफियान, शबीन वल्द, जही को तलाक देता। ये लो, तुम भी इस कागज को साइन करा के कैश करवा लेना। अश्विन, यहां खड़ी हो, हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। क्या हो गया, क्यों निकलना होगा, हमने तो सुबह जाना था ना। मैंने सुबह का कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम एक रात भी एक छत के नीचे गुजारें, प्लीज समझो। तो बात ठीक है फराज, लेकिन आधी रात को कहां जाएंगे, अभी कुछ मैनेज कर लेते हैं, मैं किसी और कमरे में सो जाऊं। अश्विन, तुम आने वाले खतरों को महसूस नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं। देखो रिजवान को पता है कि हम यहां, अभी तक वो पुलिस में बता चुका हूं, और अगर पुलिस यहां पे आ गई तो उनकी नजर में तो हम एक घर में ना। अखबार में तुम्हारी तस्वीर आएगी, बदनामी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा।
ठीक है? तो जो चाहिए इसमें से ले लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, प्लीज। कौन है? कौन? अश्फीन जहीर कहाँ है? वो तो नहीं है। आप लोग अंदर कैसे आ गए? कहाँ गई वो? वो कहीं पे भी गई है, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटा है, अश्विन के वालिदैन ने कटवाया। चलो। अरे क्या हो गया है आपको? आपका दिमाग तो ठीक है, मेरी बच्ची इसका ख्याल कौन रखेगा? इसके नाना नानी है ना, उठाओ बच्ची को। बाकी बातें वहीं होंगी। चलो चलो। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। वो अपनी मर्जी से गई है और किसी ने किसी को नहीं मारा। अगर मारा है तो बस मेरे मुकद्दर ने मुझे मारा है। सिलाखों के पीछे आके तबीयत शायराना नहीं होगी तुम्हारी? जितने काफिये मिलाने हैं मिला ले, कल सुबह रिमांड है तेरा, फिर तेरी जुबान पे वही आएगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या हो गया जनाब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? चल, तेरी बात पे यकीन कर ले, लेकिन तू भी मुझे सच सच बता, ये तेरे हाथ पर जख्म कैसे आया? अश्विन को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। वही गुस्से में अपना हाथ शीशे में मार दिया है ना? हाँ।
यही बात तू बार बार किए जा रहा है क्योंकि यही सच है। सर, जो एड्रेस इसने उस लड़के का बताया था उस नाम का कोई बंदा वहां नहीं रहता। हम अपने इलाके में तो आ गए लेकिन आज की रात हमें यहाँ गुजारनी पड़ेगी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। एक रात के लिए पना चाहिए। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ध्यान से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं तो ये जूते जूते उतार के मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रास जल्दी आऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम बैठो यहाँ पर, मैं आता हूँ। बैठो, आराम से बैठो। जल्दी आना। मैं बस जल्दी आया। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको जरूरत है मेरी। अब तो उसकी माँ भी छोड़कर चली गई है। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया तुम उसे? क्यों नहीं माँ से? अरे मुझे क्या पता कहाँ चली गई है वो? तलाक लेके कहीं चली गई। और तलाक का तहरीरी सबूत तुम्हारे पास नहीं है? मैं सब कुछ बता चुका हूँ सर आपको। तेरी बकवास सुन सुन के ना मेरे कान की मैल ने खुजली करना शुरू कर दी है। सच सच बता दे। चल वादा करता हूं तुझसे कि FIR में कुंडी डाल दूंगा। थोड़ी देर की सजा होगी लेकिन कुछ अरसे बाद तू बाहर आ जाएगा। लेकिन सर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर जेल किस बात की? तूने अश्विन को बुलाया अपने पास, वो तुझसे मिलने आई। बकौल तेरे वो किसी आदमी के साथ चले गए। जो पता तुमने बताया मुझे, उस पते पर तो फराज नाम का कोई शख्स ही नहीं रहता। अगर तेरी बात में यकीन कर भी लूं तो मुझे बता ये तेरा हाथ जख्मी कैसे हुआ, उसका फोन कैसे टूटा,
वो शीशा कैसे टूटा? इन सब में हाथापाई तो हुई होगी और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। जो कुछ मुझे मालूम था मैं सब बता चुका हूं आपको। क्या बता चुका तू मुझे? यही कि मैंने गुस्से में अश्विन को थप्पड़ मारा, पछतावे में हाथ को टेबल पे मारा, हाथ जख्मी कर दिया, उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया। और क्या जानना चाहते हैं आप? तलाक कैसे दी मैंने उसे? चेकबुक के पर्चे पर साइन करके दिया मैंने। बच्चा बेफिक्र करन, तो उससे जेर जबर की गलती हो जाती है, मगर तू तू तो पेश पेश अपने बयान में एक अल्फाज इधर से उधर नहीं हुआ। तो आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। शट अप। लड़की ये लो। ऐसी नींद सोती ही क्यों जिसके ख्वाब तुम्हें तंग करने लगे? नहीं, वो एक ख्वाब है जो मुझे हर बार तंग करता है। कोई लड़की है, कैद में है और हर बार मुझे मदद के लिए पुकारती है। तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन तुम खुद अभी तक ख्वाबों की दुनिया में गुम हो। जब जागती आंखों के ख्वाब से जागोगी तो तुम्हें बंद आंखों के ख्वाब की ताबीर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बताया उसने? नहीं, बहुत ही ढीठ है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। तोते की तरह एक ही बात किए जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। अच्छा, वो सच कह रहा है तो फिर हमारी रात क्यों काली की? रिपोर्ट नहीं करवानी थी ना? उसकी बात सुनकर यकीन कर लेते, घर पे आराम करते। और वैसे भी मुझे तुम पे शक होने लगा अभी कि तुम उसके साथ मिले हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो उसका बाप हूं। बाप हो? आजकल के बाप का एतबार नहीं। खबरें नहीं सुनते क्या कि फलां के बाप ने वो कर दिया, फलां के बाप ने ये कर दिया? बता खाला, इसे भी शामिल कर लूं तफ्तीश में? वैसे भी 50 के करीब तो पहुंच गए। एक दो पढ़ेंगे ना, फर फर बोलेगा सब कुछ। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? क्यों पकड़ के लाए उसे आप?
आराम से खला। इस उम्र में सांस उखड़ गया ना तो दोबारा जुड़ेगा नहीं। बैठे शफीक। कहाँ रह गए थे तुम? यहाँ करीब से कुछ मिला नहीं तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ले आयो मैं खाना। फराज मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। पहली दफा शहर से दूर आई हो, वो भी इतना दूर, तो जाहिर है होता है। चलो खाना खाएं। माँ से बात करनी है। माँ से बात करनी? यहाँ पे वो चार्जिंग मेरे ख्याल से कम थी। हाँ वो नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, लेकिन हेलो माँ, अब कैसी हैं? अब जाग रही थी ना। श्वीन, मेरी बच्ची, कहाँ है तू? कहाँ के कैन? जल्दी बता। अम्मा मैं खैरियत से हूँ, मैं ठीक हूँ बस। बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, रिजवान यहाँ थाने में बंद है। तू बता कहाँ है? मैं अभी पुलिस लेकर पहुँचती हूँ, जल्दी बता। रिजवान को पकड़ लिए? पर अम्मा, बेटा वो तू नजर नहीं आ रही थी तो मैंने। अम्मा क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से, और अपनी मर्जी से। हेलो हेलो यहाँ शायद चार्जिंग खत्म हो गई हो। रिजवान को पकड़ लिया। किसने बोला? नहीं नहीं, तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। उसने बोला कुछ और होगा, सुना कुछ और। चलो खाना खाए, आज आज खाना खाते हैं। आज 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 अरे आ जाओ, थोड़ा सा तो खा लो। सरमीने, क्या हुआ? मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू मेरा दिल, मैं तेरा दिल। जमानत हो गई तेरी। सब कुछ फना हो जाएगा। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे। फना
पहले इसे अंजाम दे दे। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे। फना के रस से पहले इसे अंजाम दे दे। बेटा मैं तो कहती हूँ तुम घर चलो, इतनी छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहोगे? अम्मा अब तो जिंदगी अपनी बेटी के साथ अकेले ही गुजारनी है, फिर आज से क्या फर्क पड़ता है? साफ क्यों नहीं कहता कि उसकी याद में बैठ के अकेला रोएगा? जब खुशियां नसीब से कूच कर जाए ना अब्बा, तो किस्मत में रोना ही लिखा होता। रोग लग जाएगा बेटा, मां का कहा कौन ही मान लेता। मान लो ना बेटा, चलो हमारे साथ। मैं आता हूं। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं बेटा, माफ कर दे। अंकल इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसे ही सोचता। एक बात और बेटा, इस बच्ची से हमें मिलवाते रहना प्लीज। अंकल अश्विन ने तो रिश्ता तोड़ दिया है मुझे, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और ये बच्ची आपके साथ कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अरे फराज, घबराओ नहीं, कबाइली इलाका है, यहाँ दुश्मनियां चलती रहती हैं। और इन लोगों को पता था कि मैं आ रहा हूं तो ये हमारे लिए आए, ताकि हमें रास्ते में कोई टेंशन ना हो। प्रोटोकॉल? हाँ कह सकते हैं, आखिरकार तुम यहाँ के एक सरदार के घर की दुल्हन बनने जा रही हो। सब कुछ फना हो जाएगा।
दे, इसे अंजाम दे दे, चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रस से पहले इसे अंजाम दे दे। क्या है फराज? अश्विन, यहाँ के कबाइल के अपने अपने कानून होते हैं। और जो भी उस कानून से बगावत करता है उसे यही सजा मिलती है। किस जुल्म है? इसलिए तो मैं इस इलाके में रहना नहीं चाहता। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।